चैनल पिन टू द ब्लॉक्स। फिलहाल आपका भाई पहुंच चुका है बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट पर और अभी आपका भाई है आई ब्रिज पर। आप लोग देख सकते हो मेरे साइड पर मतलब ये लाइन पर मतलब वाटरमेलन जो है रखा गया है और ये ऐसा ही नहीं रखा गया क्योंकि ये जो भाई लोग हैं ये बेचने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इस साइड में भी है। आप लोग चारों तरफ देखिए, जिधर भी आप लोगों को नज़र जाएगा बस आप लोगों को वाटरमेलन ही दिखेगा। नदी का रेत वाले हिस्से में इसको उगाया जाता है। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके फायदे के बारे में। आप लोगों को गर्मी का मौसम हो, आप लोग अगर कहीं पे जाते हो, आप लोगों को अगर साइड में वाटरमेलन देखते हो तो आप लोग ज़रूर रुकते हो खाने के लिए, क्योंकि किसी को पानी का जो प्यास होता है उसको बुझाने के लिए आप लोग वाटरमेलन खाते हो और कभी कभी भूख से भी आप लोग खाते हो। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत सारा है, जैसे कि वाटरमेलन में आप लोगों को विटामिन ए रहता है जिससे आपका आँखों का रोशनी और दिल का जो बीमारी है होता है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत काम आता है वाटरमेलन, और आपका जो खाना डाइजेस्ट करने में भी वाटरमेलन आपका बहुत फायदेमंद रहता है। आप लोग कहीं पर भी जाइए, वाटरमेलन आप लोग अगर साइड में आप लोगों को दिखता है, आप लोगों को भूख लगे या ना लगे, प्यास लगे या ना लगे, आप लोग वाटरमेलन जरूर खाइए क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत सारा फायदा होगा। तो इसके बारे में अभी जानेंगे कि ये इतना बड़ा होने में कितना दिन लगता है और वाटरमेलन किस जगह पर ज़्यादा मतलब खेती किया जाता है, क्या नदी वाले हिस्से पे किया जाता है या बाहर वाले हिस्से में किया जाता है, सारा कुछ जानेंगे। आपका नाम बताइए भैया। मन्ना नाली। ये सब किसका, आप सबका है या अलग अलग? अलग अलग सब अलग अलग है ना इसका। अच्छा ठीक है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो वाटरमेलन है इतना बड़ा होने में 3 महीने लग जाता है। 3 महीना लगता है ना। तो ये खेती दरअसल कहाँ पर ज़्यादा किया जाता है? नदी के रेत में मतलब साइड में ना। साइड तो ये मतलब ऐसे बाहर वाले हिस्से में होता है कि नहीं? होता है लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ। मतलब होने का होगा होगा। तो अगर मानो कि ऐसा टाइम में अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे तो आपका ज़्यादा होने से आगे खत्म हो जाता है, मतलब वो ऊपर नहीं उठता है, मतलब खेत के ऊपर नहीं उठता है। नहीं उठता है वो, होने के बाद तुरमुज ही खत्म होता है 3 महीने बाद। तो अच्छा, मतलब पानी का सीजन आने से पहले बड़ा होता है, 6 महीने के बाद पूरा खत्म होता है। अच्छा, मतलब पानी का कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि पानी बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है ना? पानी आने के आगे, अच्छा उससे पहले क्लियर हो जाता है। 40 रुपये किलो। ये कैसे मीठा होता है? अगर कोई कस्टमर आएगा ठीक है, आप काट के मतलब टेस्ट करने के लिए देते हैं, ज़्यादातर मतलब मिठाई होता है ना, मिठाई होता है। तो दोस्तों ये जो वाटरमेलन का खेत है मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ पर भी जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तरबूज का खेती करने के लिए कौन सा सामान यूज करते हैं और कितना मेहनत करता है, अगर कोई वहाँ पे होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर मतलब इसके बारे में पूरा बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों को ले चलते हैं तरबूज का खेती पर। चलो पिंटू तुम खा के देखो। चलो खाओ, चलो पिंटू को खाने दे देते हैं। कैसा है, टेस्ट है? खाने तो दे। टेस्ट है ना? तो दोस्तों, जैसे कि आपके भाई ने आप लोगों को बताया था कि तरबूज का खेती जो है नज़दीक से जाके आप लोगों को दिखाएगा, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं तरबूज के एकदम पूरा नज़दीक ही। देख सकते हो आप मेरे सामने जो है इतना बड़ा बड़ा तरबूज, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिलहाल अभी तो इतना ही बड़ा हुआ है। तो यहाँ के 3-4 भाई जो है यहाँ पर है मेरे साथ, तो उन लोगों से जानने का कोशिश करूँगा कि इस तरबूज में आखिर कौन सा मेडिसिन दिया जाता है और तरबूज को सेफ्टी रखने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो सारा कुछ भाई से जानेंगे। तो देखते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि तरबूज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारा। तो आप लोगों को जानकारी देने के लिए आपका भाई पहुंच चुका है यहाँ पर, तो चलिए पूछते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तरबूज का खेती आप लोगों को दिखाने के लिए आ ही रहा था कि हम लोगों को रास्ते में ये जो भाई है हमें मिल गए, इनका भी चैनल है, तो आपका चैनल का नाम बता दीजिए। 2 चैनल है, एक का नाम है टेडी फैन, दूसरा है अनर शॉर्ट फिल्म, वहाँ पर हम कॉमेडी वीडियो
अपलोड करते हैं, आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। भाई का भी सपोर्ट करो, भाई बहुत ही अच्छे से ब्लॉग करते हैं। मैंने इनका अभी देखा वीडियो, आज ये भाई आया है कि तरबूज के बारे में कुछ बोलने के लिए, मतलब सुनने के लिए, जानने के लिए कि ये किस तरह से होते हैं, इसको किस तरह से उगाते हैं। तो आज हम भाई को ये बताने वाले, मतलब ये तो नॉर्मल जो अभी दिख रहे हैं वो अभी इस तरह से नहीं होते, जब ये छोटे रहते हैं वहाँ पर इसको बाज़ार से बीज को खरीद के ले आते हैं, लेने के बाद उसको पानी में जो है ना भिगा के रखते हैं, उसके बाद मतलब अच्छे से मिट्टी में काटते हैं, मतलब उसको एक महीना दो महीने के बाद वहाँ से पौधे, उसके बाद वहाँ पर पानी दिया जाते हैं, बहुत कुछ दिया जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर फूल आते हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं वहाँ पर फूल है, फूल आते हैं, उसके बाद वहाँ पर फल भी उगता है बहुत। जब ये अच्छी तरह से हो जाते ना, तब इनको जो खेती करते हैं वो इनको तोड़ के लेके जाके बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। मतलब हाइस्ट कितना वेट तक का होता है तरबूज? 9-10 किलो तक हो जाता है। 9-10 किलो तक हो जाते हैं, कभी कभी उससे भी बड़ा ज्यादा भी होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं जो इतना बड़ा जो खेत दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? वैसे तो कितने लोग काम करते वो तो नहीं बता सकते, लेकिन करते बहुत लोग हैं। मतलब डेली लगना पड़ता है इसमें? डेली काम करना पड़ता है, मतलब सुबह उठ के घर से सुबह सुबह आके खेत में काम करना पड़ता है। अभी मतलब डेली देखभाल करना पड़ता है ना, हर रोज देखभाल करना पड़ता है इसको। अच्छा, 3 महीना तक में मतलब ये बढ़ जाता है? हाँ, 3 महीना टाइम है। हाँ, 3 महीना 4 महीने ऐसे लगते हैं, 4 महीने ज्यादा नहीं लगता ना, ज्यादा नहीं लगते। हाँ, तो दोस्तों मैं आपका नाम? मेरा नाम अनार हुसैन है। अनार हुसैन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो है वहाँ पर था तो हम लोगों को बताया कि चलो हम मैं तरबूज के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देता हूँ, तो इसी वजह से दिल से धन्यवाद देता हूँ भाई को। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।